हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं आज फिर मेरे सामने यहां पर रखे हैं बहुत यूनिक टाइप के बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज और स्टेशनरी आइटम। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिमोट कंट्रोल जीप का आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स और बहुत यूनिक टाइप की चीज आज मैं दिखाने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हैं बे ब्लेड का सेट भी रखा हुआ है। यहां पे फिडजेट स्पिनर रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे बहुत ही प्यारा पाउच रखा हुआ है। यहां पे डिफरेंट टाइप की काफी सारी इरेजर है, की चेन है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और भी टॉयज हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। टॉयज काफी ज्यादा महंगे, काफी ज्यादा यूनिक होने वाले हैं। सो इतने सारे टॉयज में से अगर आपको एक भी टॉय चाहिए उसका नाम कमेंट में बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस ये देखो, हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का है ना, रैबिट वाले डिजाइन वाला एक बहुत ही प्यारा सा डबल शार्पनर। पहले आप इसका डिजाइन देखो कितना प्यारा है ना, एक आंख बंद है, एक आंख खुली है और बहुत ही प्यारी स्माइल कर रहा है। बट गाइस ये डबल शार्पनर है, ये देखो अंदर से मैंने ओपन किया था, इसके अंदर दो शार्पनर लगे हुए। दोनों शार्पनर ना पेंसिल को अलग अलग तरीके से शार्प करते हैं। ये वाला पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट शार्प करेगा, ये वाला पेंसिल को शॉर्ट पॉइंट शार्प करेगा, है ना। 20 रुपीज इसका प्राइस है। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। और इसी तरह से गाइस ये देखो हमारे पास यहाँ पे और भी शार्पनर है। ये देखो ये कुछ इस तरह का टेडी बियर वाले डिजाइन में, यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को शार्प करेंगे। 10 रुपीज इसका प्राइस है। और गाइज ये देखो 10 रुपए में हमें कुछ इस तरह का शार्पनर देखने को मिलता है। नॉर्मल शार्पनर से ना इनका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और जो इनके अंदर शार्पनर लगा होता है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, वो आपकी पेंसिल को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शार्प कर देता है। और इसी तरह से गाइज ये देखो हमारे पास है यहाँ पर एक बेबी शार्क, जो आपने गाना सुना है ना बेबी शार्क डू 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 डू, उसी का गाइज बेबी शार्क है। और गाइज आप देख सकते हैं यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और यहां पर देखो ये देखो इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर, 10 रुपीज इसका भी प्राइस है। और तीन शार्पनर मैंने अभी तक दिखाए हैं, तीनों बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कुछ इस तरह का स्टेशनरी आइटम, ये देखो है ना। इसके अंदर बॉटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉटल्स का कलर आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा होने वाला है। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं। सो गाइस पहले मैं इसको यहां से ओपन करता हूं, 50 रुपए इसका प्राइस है। और गाइस ये देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया बाहर। सो गाइस सबको पहले आप देख सकते हैं, मैं दो तीन आपको निकाल के दिखाता हूं। ये देखो तीन कलर मैंने बाहर निकाल लिए और तीनों को मैं रहने देता हूं अंदर। सो गाइस ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। इन सब के ऊपर ना कार्टून कैरेक्टर बने हुए हैं, लगभग सेम सेम कार्टून कैरेक्टर बने हुए हैं, ये देखो तीनों के ऊपर है ना। और गाइस यहां पे लिखा है पेन फ्लूरोसेंट। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। और यहां पे आप देख सकते हैं इसके कैप के ऊपर ना यहां पे कुछ इस तरह की स्पार्कल भी डली हुई है तीनों के ऊपर अलग अलग, तीनों का कलर भी बिल्कुल अलग अलग है। यहां से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो ये एक हाईलाइटर है, इसको आप गाइज चीजों को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखो हमें एक नोटबुक चाहिए और उसके ऊपर का आप इसको कुछ इस तरह चलाओगे तो गाइज ये देखो ये आपकी चीजों को हाईलाइट करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखो है ना, इसकी गाइज आई थिंक इंक ना थोड़ी सूख गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट गाइज काफी अमेजिंग डिजाइन है, अगर थोड़ा सा एक बूंद पानी इनके अंदर डाल देंगे ना तो ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा, जैसे कि ये वाला कर रहा है देखो, है ना। तो काफी अमेजिंग चीज, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज ये होने वाली है। और टोटल हमें इसके अंदर 6 कलर देखने को मिलते हैं, वही 50 रुपये प्राइस के अंदर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, मजा आ गया है ना। ये देखो मैं इसको यहां से कर देता हूँ कुछ इस तरह से बंद, काफी प्यारा सा है गाइज, मजा आ गया। इसको यहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक खेलने वाला टॉय जो कि है एक यो। ये देखो डार्क पिंक कलर में आता है, यहाँ पे स्पीड रिवॉल्विंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये देखो है ना। और इसके अंदर ग्रीन कलर का धागा डला हुआ है और बहुत ही अमेजिंग इसकी क्वालिटी है। देखो यहां से आप इसके ऊपर नट बोल्ट लगे हैं, इसको आप टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। और गाइस यो-यो को चलाते कैसे, मुझे इसका आइडिया ज्यादा नहीं है। अगर आपको यो-यो चलाना आता है तो कमेंट बताना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसको आपको अपनी उंगली में कुछ इस तरह से डालना है, देखो ऐसे है ना, ये धागा इसके साथ आता है और जब आप इसको ऐसे फेंकोगे ना गाइस ये वापिस ऊपर आ जाता है, ये कुछ इस तरह से, ये देखो। और गाइस मुझे ज्यादा चलाना नहीं आता तो मैंने इसको फेंका तो मैं ढंग से यूज नहीं कर पाया। बट गाइस अगर आप में से किसी को भी यो-यो चलाना आता है तो कमेंट में जरूर बताना। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, ये ना आपको 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से इनका प्राइस थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। मैं भी गाइस कई बार यो-यो चलाने का ट्राई कर चुका हूं बट मैं सीख नहीं पाता हूं, है ना। सो गाइस इसको मैं यहां पर रख लेता हूं। और हमारे पास है यहां पर एक फिडजेट स्पिनर, ये है मेटल का फिडजेट स्पिनर। सबसे पहले आप इसका साइज देखो मेरे हाथ पे, बहुत ही छोटा इसका साइज है बट इसका डिजाइन और इसकी क्वालिटी देखो, फुल मेटल क्वालिटी में 100 रुपीज इसका प्राइस है। और गाइस सबसे स्पेशल बात है कि गाइस अगर आप इसको किसी को फेंक के मारोगे तो इसको चोट बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी इसका वेट बहुत ज्यादा है। और इसका वेट होने की वजह से इसकी स्पेशल बात है कि बहुत ज्यादा स्पीड से ये घूमता है। देखो ये देखो, अगर मैं इसको फुल स्पीड में घुमाऊंगा ना गाइस ये 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम तक घूमता रहेगा, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है। देखो वाह, बहुत ही अमेजिंग सी चीज है।
और गाइस इसको चलाने में मजा बहुत ज्यादा आता है। फिडजेट्स स्पिनर इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, इसलिए इनको बनाया गया है और इसीलिए इनको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे फिडजेट स्पिनर रखे हैं, कम से कम 25-30 रखे हैं, अलग अलग कलर वाले, अलग अलग डिजाइन वाले, अलग अलग शेप वाले, अलग अलग प्राइस वाले, है ना, जो मैं आपको अलग अलग वीडियो में दिखाता रहता हूं। अगर आप मेरे टॉय कलेक्शन देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरह का फिडजेट स्पिनर अगर आपने ट्राई किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसको मैं यहां पर रख लेता हूं। और गाइज हमारे पास है यहां पर एक बे ब्लेड का सेट, ये देखो, है ना, जिसके अंदर में काफी सारे बेब्लेड देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको बेब्लेड दिखाता हूँ, लॉन्चर दिखाता हूँ, है ना, और इसको मेहनत लगेगी थोड़ा सा ओपन करने में। ये देखो यहाँ से पैक है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसके अंदर में एक साथ चार बेब्लेड और लॉन्चर देखने को मिलता है। ये देखो मैं आपको बेब्लेड और लॉन्चर सारे दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत ना करना, वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, और अपने फेवरेट टॉय का नाम मुझे कमेंट में बताना। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये देखो इसके अंदर में चार मेटल क्वालिटी के बेब्लेड देखने को मिलते हैं, जो कि नीचे से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखो, है ना, और ऊपर से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। वाओ, कलर देखो गाइस सबका बिल्कुल अलग अलग कलर है, और ये देखो फुल मेटल क्वालिटी में, बहुत ही ज्यादा, मतलब वेट भी इसके अंदर काफी अच्छा खासा है। सो गाइस इसको चला के भी देखेंगे, इनका बैटल भी कराएंगे थोड़ा सा। ये देखो कुछ इस तरह का तो हमें इसके अंदर बेब्लेड देखने को मिलता है, चार अलग अलग कलर वाले, डिजाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसका डिजाइन देखो पहले आप, और अब इसका डिजाइन देखो, ये देखो दोनों का डिजाइन काफी अलग है, और सेम इसी तरह से इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, दोनों का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है, बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और अब मैं इसके अंदर से लॉन्चर और वायर कॉर्ड निकाल के आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। ये देखो ये है इसकी वायर, और थोड़ी सी गाइस मेहनत लग रही है इसको ओपन करने में, है ना। ये देखो ये है इसका बाकी सामान, इसको मैं यहां पे रखता हूँ। ये है इसका लॉन्चर, और इसको हमें इसके अंदर सेट करना पड़ेगा यहां पे। ये देखो अब इसको सेट कैसे करेंगे ये भी हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो यहां पे आई थिंक ऐसे सेट होगा शायद, एक बार वो ट्राई करते हैं। ये देखो यहां से ये होने का वाला सेट, ये देखो मैंने इसको कर लिया सेट, और जो वायर है इसके अंदर लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखो बहुत ही स्मूथली चल गया गाइस ये, और इसको कुछ इस तरह से पकड़ के बेब्लेड को चलाएंगे। तो चलो गाइस मैं आपको ना ये चारों बेब्लेड चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो चलो गाइस चलाते हैं। सो गाइस हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन लॉन्चर है जिसके अंदर हम ये सारे बेब्लेड चलाने वाले हैं, और गाइस आप देख सकते हैं बेब्लेड के कलर्स मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छे लगे, है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे फुल मेटल क्वालिटी में आते हैं गाइस। तो ग्रीन वाले बेब्लेड को ना मैं अंदर रखकर ही बैटल कराऊंगा। सो गाइस देख सकते हैं आप, ये है हमारा लॉन्चर, और गाइस लॉन्चर को मैंने पहले से रेडी कर रखा, बस हमें बेब्लेड लगाना है। और गाइस ये देखो बेब्लेड को घुमाया और बेब्लेड सेट हो गया है ना। और गाइस जो नीचे ग्रीन वाला रखा हुआ ना, इसको मैं स्टेडियम के अंदर ही रखूंगा ताकि थोड़ा सा बैटल हो सके। और गाइस 3-2-1 गो। ये देखो बहुत ही अमेजिंग है गाइस, ये ना जो स्टेडियम है ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ना बैटल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बेब्लेड एक ही जगह पे चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये दूसरा बेब्लेड मैंने रेडी कर लिया। और गाइस ये देखो वाओ कितनी अमेजिंग फाइट हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं, है ना। तो लास्ट वाला बेब्लेड है ना, इसको भी चला लेते हैं, बट गाइस देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है, मजा आ गया। और गाइस ये लास्ट वाला बेब्लेड भी इसके अंदर लगाते हैं, उसको चला के देखते हैं, और देखते हैं गाइस क्या होता है। 3-2-1 गो। ये देखो गाइस वाओ, है ना, स्टेडियम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ना बेब्लेड आपस में टकरा नहीं रहे हैं और बैटल नहीं हो पा रहा है, बट इसका लॉन्चर काफी अच्छा है। सो गाइस अगर आपको बेब्लेड चलाना पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज आपने देखा कि बहुत ही प्यारे तरीके से बेब्लेड वर्क करते हैं। अगर आपको बेब्लेड चलाना पसंद है तो कमेंट में बताना गाइज, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। और गाइज ये हल्की क्वालिटी के बेब्लेड हैं, बट अगर आप बहुत महंगे वाले बिल्कुल रियल बेब्लेड चलाओगे ना गाइज, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। सो गाइज मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये देखो रूबिक क्यूब, देखो यहाँ पे लिखा है स्पीड क्यूब 2x2x2, यानी कि इसके अंदर जो क्यूब है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये यूनिक क्यों है। ये देखो क्योंकि इसके अंदर हमें टोटल दो साइड ही देखने को मिलता है, जो नॉर्मल क्यूब होता है वो तीन वाला होता है, 1, 2, 3 वाला, बट इसके अंदर दो ही है, और ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ये देखो और इसके कलर मैंने खराब कर रखे हैं, बट कोई बात नहीं गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से इसके कलर हैं, है ना, बहुत ही प्यारा और कितना ज्यादा स्मूथ है। टू साइड वाला क्यूब है, नॉर्मल क्यूब हो जाए वो थ्री साइड वाला होता है, और मैंने आपको ट्रायंगल शेप में और अलग अलग शेप में क्यूब दिखाए हैं, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होते हैं, है ना। अगर आप में से किसी को क्यूब सॉल्व करना आता है तो भाई ये चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है ये। ये देखो है ना, प्राइस इसका बता दूं मैं आपको, ये मुझे आई थिंक 150 रुपीज के आसपास मिला है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का छोटा सा स्पिनर विद लॉन्चर। ये देखो ये है लॉन्चर, जो कि काफी ज्यादा कलरफुल है, और ये है इसका स्पिनर। और गाइज मैंने आपको बड़ा भी दिखाया ऐसा, बट मैं आपको छोटा ही दिखा रहा हूँ इस बार। और गाइज ये देखो इसको कुछ इस तरह से हमें पकड़ना है,
और काफी प्यारा लग रहा है गाइस, है ना। लॉन्च करके साथ मैंने बेबी इसको स्पिनर को सेट कर दिया, हाथ पे चलाते हैं, 3 2 1 गो। और गाइस ये देखो हाथ पे ये कितनी स्पीड में घूम रहा है ना। फर्श पे चलाऊंगा तो और ज्यादा स्पीड में चलेगा। बट गाइस ये आपको ना 80 रुपीज से भी कम में मिल जाएगा, इसका डिजाइनर क्वालिटी के हिसाब से, इसके साइज के हिसाब से। प्राइस भी इसका ठीक ठीक है, बट इसको चलाने में मजा बहुत ज्यादा आएगा। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर काफी सारे अलग अलग पेन, तो मैं आपको वन बाय वन काफी सारे पेन दिखाता हूँ। ये देखो भाई हमारे पास है यहाँ पर एक लिपस्टिक डिजाइन वाला पेन है ना, ऐसा पेन आई थिंक मैं आपको पहले भी पिंक कलर में दिखा चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर स्पार्कल डली हुई और लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो है ना। इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन करेंगे तो हम इसको नॉर्मल पेन की तरह यूज कर सकते हैं, और ये पेन गर्ल्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका डिजाइन जो लिपस्टिक जैसा है ना वो गर्ल्स के लिए बना हुआ है। तो काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है ना। अगर आपने इस तरह के डिजाइनर पेन यूज किए तो कॉमेंट कर देना। और हमारे पास है यहाँ पर ये देखो एक बहुत ही अमेजिंग पेन जो कि कुछ ज्यादा ही बड़े साइज का है, ये देखो। और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरह की कैट बनी हुई है, और गाइस इसका ना ऊपर वाला पार्ट आप कुछ इस तरह से मोड़ सकते हो गाइस, ये देखो है ना। और ये खराब भी नहीं होता, ये देखो आप इसको कितना भी मोड़ लो कितना भी बैंड कर लो, ये देखो ये खराब नहीं होता, रबर फोम में ये बना हुआ है। और अगर आप इसको यहां से ओपन करोगे तो ये नॉर्मल पेन की तरह वर्क करता है, बट स्पेशल बात है कि जब पेन को आप यूज करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा देखो किस तरह से हिल रहा है, जो इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है ना, जो इसको बहुत ज्यादा क्यूट पेन बना देता है। और आप डिजाइन देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, येलो कलर में है ना। और यहां से गाइस ये देखो कितना ज्यादा यूनिक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। और हमारे पास एक गेम वाला पेन, ये देखो ये एक नॉर्मल पेन है, इसको आप यहां से स्लाइड करके कुछ इस तरह से पेन की तरह यूज कर सकते हो, ये देखो इसको आप ऐसे पेन की तरह यूज कर सकते हो। बट इसकी स्पेशल बात क्या है, देखो यहाँ पे इसके अंदर ना एक गेम लगा हुआ है बास्केटबॉल टाइप का, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बॉल है और इस बटन को दबा के जैसे हम बॉल को उछालेंगे तो बॉल इस बास्केट के अंदर से जंप करके आती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको पता नहीं चल रहा बट गाइस ये बॉल ना बास्केट के अंदर से जंप करके आ रही है, यहां से ऐसे कूदती है ऐसे जंप करके वापस आती है, ये देखो गेम वाला पेन कितना अमेजिंग है। और बच्चों का ऐसी यूनिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है तो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर ये देखो एक यूनिकॉर्न डिजाइन वाला बहुत ही प्यारा पेन, ये देखो यहाँ पर इसके अंदर भी स्पार्कल डली हुई है, इसका लिक्विड निकल गया है, इसके अंदर ना लिक्विड भरा हुआ था पानी, बट गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, यहाँ पे एक बटन है, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो इसके अंदर लाइट जलती है गाइस, ये देखो है ना। अंधेरे में आप इसको यूज कर सकते हो, काफी प्यारा है गाइस, और जो यूनिकॉर्न है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा है। और सबसे स्पेशल बात, अगर आपको इस साइड से ओपन करोगे तो गाइस ये देखो आप इसको नॉर्मल पेन की तरह यूज कर सकते हो, ये एक नॉर्मल पेन है बट जिसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखो यहां से मैं इसको आपको कंप्लीटली दिखाता हूँ, ये देखो इसकी शेप भी आप देख सकते हैं, काफी यूनिक इसकी शेप है, वाओ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, मजा सही आ गया है ना। इसको मैं साइड में रखता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत बड़े ताले की चाबी, ये देखो है ना बहुत बड़े ताले की चाबी है, बट गाइस ये चाबी जैसा दिखाई जरूर देता है बट ये कोई चाबी नहीं है। इसको अगर हम यहां से ओपन करेंगे तो गाइस इसको हम नॉर्मल पेन की तरह यूज कर सकते हैं, चाबी वाले डिजाइन वाला पेन, वाओ ये देखो कितना क्यूट और कितना अमेजिंग दिखाई दे रहा है ना। ये देखो अगर आपने इस तरह के डिजाइनर पेन यूज किया तो आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे एवेंजर्स वाली दो दो ज्योमेट्री बॉक्स, एक मेरे पास ये है एक यहाँ पर रखा है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले ये वाला दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बना हुआ है, हल्क बना हुआ है, और दूसरी साइड से भी आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है ना। अगर आप इसको यहां से ओपन करते हैं तो इसके अंदर काफी स्पेशल चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, ये देखो लाइट की रोशनी आप देख सकते हैं, ये देखो अगर आप अंधेरे में स्टडी कर रहे हो तो इस रोशनी को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। और जो इसका ये है ना ये पार्ट, इसको आप कुछ इस तरह से बैंड भी कर सकते हो किसी भी एंगल पे, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसका एंगल बैंड करके इसको यूज कर सकते हो। ये यहां से निकल गई गाइस थोड़ी सी, और आप इसको यहां से वापस फोल्ड भी कर सकते हो। और यहां पे एक बटन है, जैसे आप बटन दबाओगे तो कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट ओपन होता है जिसके अंदर लगे हुए डबल शार्पनर, ये देखो। और ये शार्पनर वाले ज्योमेट्री बॉक्स मैंने आपको बहुत ज्यादा दिखा दिया तो गाइस आप बोर भी हो गए होंगे, है ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और दूसरी साइड से भी ओपन होता है गाइस, ये देखो इस तरह का ज्योमेट्री का बॉक्स आपको 150 रुपीज से कम में मिल जाएगा, 120 से 150 रुपीज के बीच में। इसको मैं यहां पे रखता हूं, है ना। और गाइज हमारे पास एक और एवेंजर्स वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, दोनों का डिजाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग प्रिंट है इसके ऊपर, ये देखो है ना, ये देखो बहुत ही अलग अलग प्रिंट है। बट इसकी स्पेशल बात यह कि यहां पर एक डोरेमोन वाला प्रिंट बना हुआ है जो कि कुछ इस तरह का 3D प्रिंट है गाइज, ये देखो वाओ है ना, फ्लिप कर रहा हूं तो डोरेमोन चेंज हो रहा है। और ये एवेंजर्स वाला है, अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर कैलकुलेटर लगा हुआ है जो कि कुछ इस तरह से फ्लिप करके बाहर आ जाता है, देखो है ना। और इसको यूज भी कर सकते हैं, मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, देखो मैंने ऑन कर लिया है इसको। अब गाइस ये देखो 8 × 3 = ये देखो 24 है ना, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। 5 × 5 = 25, ये देखो है ना, कैलकुलेटर्स का वर्किंग कंडीशन में। यहाँ पे ऑफ का बटन है, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये देखो। और वापस से हम इसको स्लाइड करके अंदर कर सकते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से, यहां से दबाएंगे
तो कुछ इस तरह से स्लाइड करके अंदर आ जाता है। और गाइस ये देखो डोरेमोन वाला प्रिंट काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पेन पेंसिल कलर होल्डर लगा हुआ है, इसके अंदर आप काफी सारा सामान रख सकते हैं। सेम इसी तरह से गाइस ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेस है। 1 से 9 तक टेबल भी इसके अंदर लिखा हुआ है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और ये काफी प्यारी काफी मजेदार सी चीज है। और गाइस ये देखो हमारे पास एक और पेन है, ये देखो पेप्सी का एक कोका मतलब पेप्सी का एक कैन है ना, जिसको आप चाबी के छल्ले की तरह भी यूज कर सकते हो और इसके ऊपर पेप्सी लिखा भी हुआ है। बट गाइस अगर हम इसको यहां से ओपन करते हैं तो गाइस ये एक पेन है, ये देखो यहां से आप इसको पेन की तरह यूज कर सकते हो। देखो इसके अंदर से एक पेन निकलता है ना, इसको आप ऐसे बंद कर दोगे तो गाइस कोई भी नहीं बता पाएगा कि एक पेन बन सकता है। बट गाइस ये पेप्सी के कैन वाले डिजाइन में एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा पेन है जिसको आप चाबी के छल्ले की तरह भी यूज कर सकते हो, तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहाँ पे ना एक यूनिकॉर्न वाला बहुत ही प्यारा पाउच है, ये देखो। अब आप इसका डिजाइन देखना कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ये देखो इसको मैं यहां से ओपन करता हूं और इसको मैं रखता हूं साइड में, और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशल चीज आ गई है पाउच से बाहर जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है गाइस, है ना। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, यूनिकॉर्न्स लिखा हुआ है, यहां पे यूनिकॉर्न बना भी हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना ज्यादा यूनिक है। अब गाइस इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेस देखने को मिलता है, सबसे पहले तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह का एक चिपकने वाला हमें पाउच मिलता है जिसके अंदर आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर ना फोम डली होती है, फोम को आप बाहर निकालोगे तो आप इसके अंदर पैसे वगैरह रख सकते हो, स्पेस काफी ज्यादा है इसके अंदर। इसको आप यहाँ पे दोबारा से चिपका सकते हो। और गाइज ये देखो यहाँ पर भी एक स्पेस है ना, पॉकेट बनी हुई है काफी प्यारी सी। और अगर आप इसको यहाँ से ओपन करोगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्पेस है, इसके अंदर फोम डली हुई है, फोम को हम निकाल देते हैं। अब आप पहले फोम का साइज देखो है ना, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कितना ज्यादा सामान आ सकता है। इसको हम ज्योमेट्री बॉक्स भी कह सकते हैं, पेंसिल पाउच भी कह सकते हैं, पेंसिल केस भी कह सकते हैं, है ना, कितनी अमेजिंग चीज। सो गाइस तीन तीन अलग अलग पॉकेट इसके अंदर दे रखी है जो इसके डिजाइन को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। ये आपको 150 से 200 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इरेजर्स। ये देखो ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स जिसका डिजाइन आप देख सकते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके ऊपर इरेजर लिखा हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ। और अगर हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो हमारे पास है यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे अच्छे डिजाइन वाली इरेजर्स। ये देखो इसका गाइस एक सूज निकल गया है, इसको पहले मैं सूज लगा देता हूँ एक, ये देखो। और गाइस हमारा ये है बहुत ही प्यारा सा एस्ट्रोनॉट यानी कि स्पेस में जाने वाला आदमी है ना। और यहाँ पे देखो स्पेसशिप भी है एक जिसको हम UFO कहते हैं गाइस, ये देखो है ना। और गाइज ये देखो यहाँ पे देखो स्पेस में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसशिप होते हैं जो आप फिल्मों में देखते हैं मूवीज में देखते हैं वो है। और गाइज यहाँ पे एक रोबोट है, रोबोट की गर्दन निकल गई है, मैं रोबोट की गर्दन वापस लगा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसकी गर्दन लगानी पड़ेगी हमें। और गाइज ये देखो रोबोट की गर्दन मैंने वापस लगा दी है। और गाइज ये देखो एक और रोबोट है, इसको पता नहीं कहाँ लगाएंगे, ये भी आई थिंक रोबोट है कुछ इस तरह का। और यहाँ पे एक एलियन भी है, वाओ ये एलियन आप देख सकते हैं कितना क्यूट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक प्यारा सा रॉकेट है ना। और टोटल हमें इसके अंदर देखने को मिलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 अलग अलग डिजाइन वाली इरेजर्स, और जो कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। एस्ट्रोनॉट भी है, एलियन भी है, स्पेसशिप भी है, रॉकेट भी है, प्लेन भी है, सब कुछ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। इसको गाइज मैं वापस से यहाँ पे रख लेता हूँ। और गाइज ये देखो हमारे पास है यहाँ पर एक चाबी का छल्ला जो कि है ड्रैगन बॉल जी वाले कार्टून वाला। अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा तो आपको पता होगा कितना वर्ल्ड फेमस कार्टून है गाइज, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर बना हुआ है, इसका नाम क्या है आप मुझे बताना गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रबर फोम में ये बना हुआ है और खराब नहीं होगा, अगर एक गंदा हो जाए तो आप इसको पानी से वॉश कर सकते हैं, साबुन से वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से है ना पेंट में लटका सकते हैं। और यहाँ पे जब आप चाबी को यूज करेंगे तो ये चाबी का छल्ला बन जाएगा जो कि ड्रैगन बॉल जी वाला चाबी का छल्ला बनेगा। ये आपको 100 से 150 रुपीज में मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको काफी सारे चाबी के छल्ले दिखाए हैं जो कि 100 रुपीज के आसपास आते हैं, बट इसकी क्वालिटी इसका डिजाइन सच में काफी ज्यादा क्रेजी है। और इसी तरह से गाइज हमारे पास है यहाँ पर एक ये देखो सूज वाले डिजाइन वाला चाबी का छल्ला, ये नाइकी का सूज यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो है ना। और गाइज ये एक चाबी का छल्ला है जो कि काफी क्यूट सा दिखाई दे रहा है, ये आपको 20-30 रुपीज में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, डिजाइन भी काफी अच्छा है, अगर आप सूज लवर हैं तो ये चीज आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह से गाइज हमारे पास है यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह का एक आइसक्रीम का कोन, ये देखो जिसके ऊपर आपको मल्टी कलर की आइसक्रीम देखने को मिल रही है। यहाँ पे आइसक्रीम का कोन लगा हुआ है छोटा सा है ना। बट गाइस मैं आपको बता दूं एक स्पेशल चीज है, देखो हम इसको यहाँ से ओपन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ से जैसे मैंने इसको ओपन किया तो गाइस इसके अंदर लगा हुआ है हाईलाइटर जो कि चीजों को हाईलाइट करने के काम आता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता होगा हाईलाइटर क्या होता है ना। ये देखो वाओ इसके अंदर भी हाईलाइटर लगा हुआ है, मतलब जितने भी कलर है ना सारे कलर वाले हाईलाइटर है। ये देखो
मैंने अपने हाथ पे चलाया तो गाइज आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का भी है और यहाँ पे लास्ट वाला ब्राउन कलर का है गाइज। ये ब्राउन नहीं है, पर्पल कलर है, ये देखो है ना, मैंने अपने हाथ पे चलाया तो पर्पल कलर चल रहा है। और ये कितना ज़्यादा अमेजिंग। और टोटल हमें इस आइसक्रीम कोन के अंदर 5 अलग अलग कलर के हाइलाइटर देखने को मिलते हैं। प्राइस इसका 60 या 70 रुपीज़ है। 1, 2, 3, 4, 5 कलर है टोटल है ना। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग इरेजर का सेट जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। और इसके अंदर आपको इरेजर भी और शार्पनर भी देखने को मिलेगा। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देखो कितनी ज़्यादा स्पेशल है। और यहाँ से हम इसको निकालेंगे बाहर, ये देखो फ्रेंच फ्राइज वाले डिज़ाइन में हमें इसके अंदर इरेजर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। वाह, मज़ा ही आ गया गाइज है ना। इसको मैं यहाँ पे वापस लगा लेता हूँ। और ये देखो कोका कोला का जो कैन होता है ना कोल्ड ड्रिंक वाला, वो है गाइज ये। और ये सारी की सारी चीज़ें इरेजर हैं। ये देखो सैंडविच वाले डिज़ाइन वाली इरेजर, ये देखो कितना प्यारा सैंडविच लग रहा है गाइज देखने में है ना। और यहाँ पे हमारे पास बर्गर वाले डिज़ाइन वाली इरेजर है, ये देखो। टोटल हमें इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इरेजर देखने में मिलती है। और ये कुछ इस तरह का शार्पनर देखने में मिलता है ना, जो कि आपकी पेंसिल को शार्प करेगा। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से आई थिंक ये ओपन भी हो जाएगा शायद। ये देखो इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, जो कि पेंसिल को शार्प करेगा तो बहुत ही अच्छा शार्प करेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको मैंने बंद कर दिया है। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चीज़ है। एक सेट के अंदर आपको 4 डिज़ाइनर इरेजर और एक बहुत ही डिज़ाइनर शार्पनर देखने को मिलता है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद गाइज ये देखो हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी ट्यूब है ना। और अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो गाइज ये देखो इसके अंदर भी शार्पनर लगा हुआ है। 10 रुपीज़ इसका प्राइस है। यहाँ से पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ से पेंसिल डालेंगे तो कुछ इस तरह से पेंसिल को शार्प करेंगे। काफ़ी प्यारी काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। और इसी तरह से गाइज हमारे पास यहाँ पे एक 20 रुपीज़ का शार्पनर है, ये देखो। बट ये 2-in-1 चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले गाइज आप इसका डिज़ाइन देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो गाइज इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है गाइज, वाओ है ना। अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें कुछ इस तरह से, तो गाइज यहाँ से पेंसिल डाल के पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। देखो इसके नीचे छेद बना हुआ है, बट जो इसकी ऊपर की ये बॉडी है जो ये कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है, ये इरेजर है। आप इसे कुछ इस तरह से पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, है ना। कितनी स्पेशल चीज़, शार्पनर और इरेजर का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बो है ये। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब गाइज मैं आपको पेन दिखाता हूँ जो पेन बच गए हैं। देखो एक है हमारे पास ये कुछ इस तरह का फिश डिज़ाइन वाला बहुत ही प्यारा पेन है ना। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, देखने फिश जैसा लग रहा है। अगर हम इसकी कैप को ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो ये एक नॉर्मल पेन है, ये देखो। बट जो इसका डिज़ाइन है, इसकी शाइन है, बहुत ही प्रीमियम चीज़ लग रही है गाइज देखने में। वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश के कर्व्स बने हुए, बहुत ही प्यारे प्यारे फिश की टेल बनी हुई है। और ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइज डिज़ाइन की वजह से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी कलर पेन, ये देखो है ना, मल्टी कलर पेन। और इसके अंदर हमें काफ़ी सारे कलर देखने मिलते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक और ये ब्लू है ना। इतने सारे कलर हमें इसके अंदर देखने मिलते हैं। तो मैं आपको एक दो कलर चला के दिखाता हूँ गाइज। ये देखो मैंने ब्राउन कलर ऑन किया है, तो इस डायरी पे चला के देखते हैं गाइज। ये देखो मेरे पास डायरी रखी है और गाइज ये देखो ब्राउन कलर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये येलो कलर, ये देखो, ये देखो येलो कलर भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो कि इस पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात है। चलो अब ग्रीन कलर चला के देखते हैं। ये देखो ग्रीन कलर भी वर्क कर रहा है। मैं आपको पास से दिखाई देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे है ना। और गाइज एक स्पेशल कलर चलाते हैं, जैसे कि गाइज ये देखो ये पर्पल टाइप का कलर है, बहुत ही लाइट कलर है। इसको चला के देखते हैं। ये देखो गाइज ये बिल्कुल पर्पल कलर की तरह ही चल रहा है। आपको लग रहा होगा ब्लू कलर है, बट गाइज ये ब्लू कलर नहीं है। ब्लू मैं इसके बगल में चला के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है ना, काफ़ी अमेजिंग। एक मल्टी कलर पेन जिसके अंदर आपको टोटल 10 कलर देखने को मिलते हैं, जिसके सारे कलर वर्किंग कंडीशन वाले कलर हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है बहुत ही प्यारा सा कार्टून कैरेक्टर, वाओ यूनिकॉर्न लग रहा है गाइज ये देखने में। ये देखो यहाँ पे इसका सींग बना हुआ है, बेबी यूनिकॉर्न है आई थिंक ये है ना। तो गाइज मैं आपको एक और यूनिकॉर्न वाला पेन दिखाता हूँ। ये देखो एक और हमारे पास यहाँ पे यूनिकॉर्न वाला पेन है। ये देखो यहाँ पे इसके यूनिकॉर्न का सींग लगा हुआ है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो हम इसको नॉर्मल पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखो बहुत ही स्पेशल है गाइज। और जो इसके ऊपर यूनिकॉर्न का पैटर्न बना हुआ ना, ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैंने आपको इस वीडियो में 3 यूनिकॉर्न वाले पेन दिखाए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक जो अभी मेरे हाथ में था। ये देखो तीनों यूनिकॉर्न वाले पेन है, ये देखो है ना। और तीनों का डिजाइन आप देख सकते हैं, नॉर्मल पेन से 1000 गुना ज्यादा अच्छा इनका डिजाइन है और बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये मल्टी कलर पेन है, मजा आ गया। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और गाइज हमारे पास है यहाँ पर ये देखो डाइस, छोटी सी डाइस, ये देखो है ना।
इसके अंदर तीन आपको अलग अलग डाइस देखने मिलती है जो कि लूडो के साथ यूज की जाती है। इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ ये सरप्राइज एक्चुअल में क्या है। सो गाइस ये देखो तीनों को मैंने निकाल लिया बाहर और कितनी ज्यादा कलरफुल लग रही है। बट गाइस मैं आपको बता दिया डाइस जैसी दिखने वाली चीज एक्चुअल में इरेजर है। ये एक ब्लू कलर का इरेजर है जिससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर का इरेजर है और ये व्हाइट कलर का इरेजर है। बहुत ही स्पेशल लग रही है गाइज, है ना। अगर आप स्टूडेंट है तो गाइज ये वाली चीज तो आपको 100% ट्राई करनी चाहिए जितनी मैंने आज तक आपको इरेजर दिखाई है। और हमारे पास है यहाँ पर एक सुपर कार, छोटे साइज की सुपर कार। पहले आप इसका डिजाइन देखो, वाओ क्या स्पेशल डिजाइन है गाइज, मजा ही आ गया है ना। और गाइज आप इसको चलाओगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका प्राइस बता दूं, मुझे 35 रुपीज में मिली है। इसको आप कुछ इस तरह से फर्श पे रख के पुश बैक करोगे ना गाइज, कुछ इस तरह से, तो ये आगे की तरफ भागती है। और ये इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छे डिजाइन वाली सुपर कार जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, है ना। साइज इसका छोटा है बट गाइज ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। और इसी तरह से हमारे पास एक ATV बाइक है, ये देखो ये ATV बाइक जिसका प्राइस है 80 रुपीज। और गाइज 80 रुपीज की चीज भी पुश बैक करने पे चलती है गाइज, ये देखो। और ATV बाइक कौन सी होती है जो पहाड़ों में चलाई जाती है ना गाइज, आपने देखा होगा उबड़ खाबड़ रास्तों में, ये वही चीज है। बट गाइज ये बहुत ही मिनी साइज में है गाइज, ये देखो पुश बैक करने पे इसका टायर आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से घूम रहा है और कितनी देर तक घूम रहा है, ये देखो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठ के जाते हैं, काफी प्यारी सीट बनी हुई है, हैंडल बना हुआ है जो कि मूव होता है। और गाइज ये देखो बिल्कुल रियल ATV बाइक जैसा इसका डिजाइन है, है ना। और प्राइस भी काफी अच्छा है 80 रुपीज। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखो कुछ इस तरह का एक हेयर ड्रायर, है ना। और गाइज मैं आपको बता दूं हेयर ड्रायर एक्चुअल में एक शार्पनर है, है ना। यहाँ पे इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर, ये देखो है ना। 10 रुपीज इसका भी प्राइस है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब गाइज मैं आपको दो ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे जो आपका दिल खुश कर देंगे। ये देखो यहाँ से पहले आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी पैकिंग है। और पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर, ये देखो कुछ इस तरह का हमें इसके अंदर एक पेंसिल पाउच या ज्योमेट्री बॉक्स हम इसको कह सकते हैं देखने को मिलता है जो कि एवेंजर्स वाले डिजाइन में है। और यहाँ पे बना हुआ है कैप्टन अमेरिका, है ना। और सबसे अमेजिंग बात है कि गाइज इसको ऊपर का सेल है ना, ये बहुत ही मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये देखो जिसका ऊपर का ये वाला पार्ट है ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर आप जो भी सामान रखोगे वो आपको दिखाई देता रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो मैंने इसके अंदर एक चीज रखी है, इसको मैं बंद करूंगा ना यहाँ से आपको सारी चीजें विजिबल होती रहेंगी, ये देखो, है ना। ये इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है। यहाँ पे लगा हुआ है पेन पेंसिल कलर होल्डर, इसके अंदर आप पेन डाल दोगे तो इधर उधर भागेगा नहीं। और यहाँ पे लगी हुई है एक बहुत ही प्यारी सी चैन, ये देखो, है ना। इसके अंदर आप जो भी सामान रखोगे वो भी आपको दिखाई देता रहेगा। ये देखो ट्रांसपेरेंट जाली इसके ऊपर लगी हुई है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं एवेंजर्स वाले डिजाइन में ये बहुत ही स्पेशल चीज है, मजा आ गया, है ना। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और सेम इसी तरह से गाइज हमारे पास एक और चीज है, ये देखो इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये गाइज एस्ट्रोनॉट वाले डिजाइन में, देखो स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉकेट लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेसशिप है और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बना हुआ है। इसके अंदर भी आप जो भी सामान रखोगे वो आपको अच्छे से विजिबल होता रहेगा। मैं आपको दिखाया था एग्जांपल के तौर पे, ये देखो मैं बड़ी सी चीज इसके अंदर रख रहा हूँ और इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ये देखो आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल होंगी, है ना। और इसके अंदर सेम अंदर पैटर्न बना हुआ है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, ये आपको 120 रुपीज के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और दोनों का डिजाइन आप देख सकते हैं अलग अलग है, साइज सेम सेम है, पैटर्न सेम सेम है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है गाइज, है ना। इनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल कार, ये देखो गाइज ये बहुत ही स्पेशल कार है। पहले आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है। टायर्स आप देख सकते हैं, ये देखो, है ना, बहुत ही अमेजिंग। और इसके गेट भी खुलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले आप इसको फ्रंट से देखो कितनी ज्यादा स्पेशल है, है ना। अब ये किस कार की कॉपी आप मुझे कमेंट बताना। यहाँ पे इसके ऊपर सनरूफ बना हुआ है। इसका बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसका बहुत ही बड़ा बॉक्स है। और इसके साथ हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, यहाँ पे लिखा है सुपर कार, है ना। ये देखो 6+ एज वाले बच्चे इसको चला सकते हैं। 1:2 स्केल इसका रेशियो है, है ना। और गाइस आपको अलग अलग कलर में अवेलेबल हो जाएगी जो कि यहाँ पर प्रिंट है, वो रेड में भी है, येलो में भी है, बहुत ही अमेजिंग चीज है ना। और मैं आपको बता दूं इसका रिमोट कंट्रोल के अंदर मैंने बैटरी पहले से ही डाल रखी है, इसको मैंने बंद कर रखा है। 2 बैटरी मैंने इसके अंदर डाली है और 4 बैटरी मैंने इसके अंदर डाली है। तो जल्दी से इसको करते हैं ऑन, ये मैंने इसको किया ऑन, है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी स्पेशल बातें। देखो ये वाला बटन दबाऊंगा तो इसका गेट ओपन होता है गाइज, ये देखो यहां से मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसका गेट ओपन हो गया और ये बंद भी हो जाता है जो कि रिमोट के इस वाले बटन से होता है गाइज, ये देखो। और इसके अंदर साउंड भी आता है जो गेट बंद और ओपन होने का, देखो, है ना। और सामने से आप देख सकते हो ओपन गेट होने के बाद भी ये चलती है। अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ, ये देखो है ना, ये मैं इसको जॉयस्टिक से चला रहा हूं और इस वाली जॉयस्टिक से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, देखो कुछ इस तरह से, देखो
आगे वाले टायर खुलते हैं। तो चलो गाइस इसका ना ओपन गेट करके इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। सो गाइस आप देख सकते हैं कार कितनी ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही है ना। आप देख सकते हैं ओवरऑल जो इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और गाइस आप देख सकते हैं इसके ऊपर सनरूफ भी बना हुआ है। इसके व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस देखो सनरूफ कितना ब्यूटीफुल है। और ये इसका रिमोट कंट्रोल। और गाइस जैसे मैं इसके बीच वाला बटन दबाता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से इसका गेट खुलता है। और गाइस देखो किस तरह से बंद होता है ना, कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस आप देखना कैसे ये परफॉर्म करती है। देखो इसकी स्पीड देखो सबसे पहले गाइस, और रिमोट से इसका कंट्रोल देखो है ना कितना अमेजिंग। और गाइस जब हम इसको आगे की तरफ चलाते हैं तो इसकी आगे वाली लाइट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चलती है। गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत ही कम है, काफ़ी कम एरिया में आराम से घूम जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप इसको इंडोर में चलाना चाहें तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। और गाइस आप देखना इसका टर्निंग रेडियस कितना ज़्यादा कम है, ये देखो गाइस है ना कितने कम एरिया में आराम से घूम जाती है ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो ओवरऑल ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ना। अगर आपने इस तरह की कभी कोई भी आरसी कार चलाई है तो कमेंट में बताना। और गाइज अगर आपको ये कार पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइज आपने देखा कि आरसी कार किस तरह से वर्क करती है, काफ़ी प्यारी चीज़ है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, आपको 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और हमारे पास है यहाँ पर एक 3-in-1 चीज़। अब ये 3-in-1 चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर लगा हुआ एक लॉक है ना, इसको आप अपनी पैंट में लटका सकते हैं। अगर आप इसको हटाएं यहाँ से तो आप इसको पॉपेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पॉपेट लगे हुए हैं गाइस, ये देखो, जो कि बिल्कुल वर्किंग कंडीशन वाले पॉपेट हैं ये देखो। और तीसरी स्पेशल बात, ये एक फिडजेट स्पिनर है ये देखो गाइस है ना, पॉपेट वाला फिडजेट स्पिनर। और कितना स्मूथली घूम रहा है ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी सी चीज़ है गाइस। प्राइस है इसका 30 रुपीज़। 30 रुपये में आपको 3-in-1 चीज़ देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर आप इसको किसी चाबी के साथ भी यूज़ करोगे ना, चाबी के छल्ले की तरह, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने वाला है ना, मज़ेदार सी चीज़। और हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा, ये देखो, यूनिकॉर्न वाली डायरी का सेट, जबकि जिसके ऊपर कुछ इस तरह से बैंड लगा हुआ है। इसको आप कुछ इस तरह से कर देंगे तो गाइज ये ओपन नहीं होगी गाइज, ये देखो है ना, ये देखो यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे क्यूट क्यूट पेजेस देखने को मिलते हैं जो कि एक डायरी की तरह या फिर नोटबुक की तरह यूज़ की जा सकती है ना, बहुत ही अमेजिंग चीज़। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाई हैं। एक भी चीज़ पसंद आई हो अगर आप चाहते हैं आपको मिल जाए उसका नाम कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।